फ्लैटीज होटल में लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, मेजर जनरल शाहिद महमूद BCLGU, मेजर जनरल रिटायर उबैद बिन जिक्रिया समेत दीगर मेहमानों ने खास की शिरकत। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 882 तलबा को डिग्रियां दी गयी। गवर्नर पंजाब ने ग्रेजुएट्स में खवातीन की नुमाया तादाद पर इजहार मुसरत करते हुए कहा कि खवातीन ने हर मैदान में मर्दों को पीछे छोड़ दिया है। हुकूमत औरतों को मिल जाए तो मर्दों से बेहतर चलाएंगी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दीज ग्रेजुएट्स विल बी हाईली सक्सेसफुल इन देयर करियर्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। मेजर जनरल शाहिद महमूद ने कहा कि नौजवान तबके को पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करना है। तलबा को दहशतगर्दी से लड़ने की बजाय तालीम हासिल करनी है। डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा की खुशी दीदनी थी। कॉन्वोकेशन में आला कारकर्दगी दिखाने वाले 116 पोजीशन होल्डर्स में मेडल और इस्नाद भी तकसीम की गयी। कैमरामैन खुरम रईस के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज़।